हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी UPS 25 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज चार टॉपिक हैं। चारों टॉपिकों के ऊपर फटाफट से मैं आपको बता दूं, जो UPS 25 पेंशन धारक हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। जो पहले नंबर पे है कि बड़ी संख्या में UPS 25 पेंशन धारक जो उड़ीसा से हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, और UPS 25 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करवाने से संबंधित और वो रामलीला मैदान और जंतर मंतर में 7 तारीख 8 तारीख को लगातार 2 दिवसीय तक धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो वो सुबह में 9:30 से ही हो जाएंगे। पूरी खबर जो तो विस्तार में मैं अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये रामलीला मैदान और दिल्ली मैदान में कितने दिन की जो तो UPS 25 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करने या करवाने संबंधित, या यूँ कहें कि कोई भी, अगर मान लीजिए कि कोई भी हो जाके वहाँ पे आंदोलन करना चाहता है तो उससे कितने दिन की परमिशन मिलती है, उससे संबंधित सारी बातें हम लोग आप लोग डिस्कस करेंगे। उड़ीसा के लोग हैं जो दिल्ली में पहुंच चुके हैं, कल के डेट में ही पहुंचे हैं। दूसरे नंबर पे है 4 नवंबर 2022 के फैसले पर जो दो UPS 25 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करवाने के दो रिव्यू पिटीशंस जो तो फाइल की गई हैं, उन रिव्यू पिटीशंस पे क्या, किस प्रकार से लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे किसी दूसरे वीडियो पे। और फिलहाल मैं अभी आपको बता दूं कि जो 4 नवंबर 2022 का जो ये UPS 25 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए जो दो दो रिव्यू पिटीशंस फाइल की गई हैं, उन पिटीशनों से जो कुछ UPS 25 पेंशन धारकों की बात कही जा रही है कि अगर मान लीजिए कि जो दो दो रिव्यू पिटीशंस हैं उस पर अगर काम होने लगेगा तो हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय तक उस पर काम किया जाए और फैसला आए, और तब तक UPS 25 पेंशनर्स की पेंशन होल्ड हो जाएगी। और साथ ही साथ में दूसरे नंबर पे ये जो कुछ और संस्थाएं भी हैं, बात कही जा रही है कि जल्द से जल्द UPS 25 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि के लिए जो तो इसमें बहुत ही जल्द जो तो ये तो खाली रिव्यू पिटीशंस है, जल्द ही इस पर जो तो फैसला आएगा और UPS 25 पेंशनर्स को इसका UPS 25 पेंशनर्स को मतलब कि बहुत जल्द जो तो पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी। तीसरे नंबर का जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आंदोलनों का असर हुआ है। देखिए, सरकार के ऊपर भी आंदोलन का असर हुआ है, जो अभी हाल ही में जैसे CWC की बैठक हो या वेस्ट बंगाल का आंदोलन हो या मतलब बहुत जगह पे आंदोलन जो हुए हैं, दिल्ली के आंदोलन को लेकर जो क्रमिक असर महाराष्ट्र में बुलढाणा में चल रहा है उसको लेकर, जो EPFO कार्यालय के सामने पे धरना प्रदर्शन और घेराव किया गया था, साथ ही साथ में UPS 25 पेंशन जितने भी EPFO के और दूसरे सेक्टर पे जहाँ पे EPFO ऑफिस है वहाँ का घेराव किया गया था, और कुछ जैसे CWC के बैठ जो सदस्य थे उनसे मुलाकात हुई थी, और काफी ज्यादा मतलब कि सॉरी CWC में बोल दिया था, NSC के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा जितने भी लोगों के साथ मुलाकात करें, मंत्री जितने भी छोटे बड़े वर्ग के जो जितने भी नेता लोग हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो इससे जो तो आंदोलन का काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है UPS 25 पेंशन के लिए। सरकार हो, EPFO, श्रम मंत्री जी हैं, वित्त मंत्री जी हैं, सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ जो है तो दी हैं कि UPS 25 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि करने करवाने से संबंधित, इसको भी हम लोग दूसरे वीडियो में समझ लेंगे। जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जिसपे जितने भी पूरे UPS 25 पेंशन धारक हैं उनकी निगाह है वो शीतकालीन सत्र पे है, क्योंकि शीतकालीन सत्र पे जो इस सत्र में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बताया था कि अगर इनकी कोई भी डेट सामने निकल के आती है तो मैं उस डेट पे वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा। तो जो पहला नंबर है लोकसभा की डेटें हैं, 19 तारीख है, 12 तारीख है और 26 तारीख है, दिसंबर की बातें हैं। 12, 19 और 26 दिसंबर को लोकसभा में UPS 25 पेंशन पर सुनवाई हो सकती है, और साथ ही साथ में राज्यसभा में 8, 15, 22 और 29, तो ये 7 तारीख से शुरू, तो 8 तारीख यानी कल के डेट में ही 8 तारीख, तो 8, 15, 22 और 29 ये 4 डेटें जो है तो राज्यसभा से निकल के आ रही हैं UPS 25 पेंशन के पेंशन में सुनवाई के लिए। चलिए दोस्तों, आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोगों के लिए इसी प्रकार की वीडियो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर आती रहेंगी जानकारी से संबंधित। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।